नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल सहित तमाम चिकित्सीय विधाओं में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने MBBS पाठ्यक्रम की हिंदी में किताबों का अनुवादित वर्जन तैयार कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में इन किताबों की लॉन्चिंग करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के सभी 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र से ही MBBS प्रथम वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की हिंदी में भी पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं अगले सत्र में MBBS द्वितीय वर्ष में भी इसे लागू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग देश का नंबर 1 पर हम पहुंच रहे हैं, जो देश में पहली बार मेडिकल एजुकेशन की, मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में कराएंगे और उसको लेकर विगत 6 महीने से जो हमने मेहनत की वह फलीभूत हो रही है। फर्स्ट ईयर की 3 किताबें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों का हमने हिंदी रूपांतरण कर लिया है। किताबें बनकर तैयार हो गई हैं। 16 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हजारों छात्रों की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इन किताबों का विमोचन करेंगे और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई देश में शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इससे बड़ी कोई सौगात देश को नहीं दी जा सकती और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग ने ये काम पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया है। मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र आएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और देश के बाकी राज्यों से भी मुझे लगातार फोन आ रहे हैं कि एक बड़ी पहल आपने की है, क्योंकि जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो जब मेडिकल में एडमिशन लेते हैं नीट तो वो क्लियर कर लेते हैं, पर उन्हें बहुत दिक्कत आती क्योंकि पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाई होती है। अब ये हिंदी की पढ़ाई के बाद निश्चित रूप से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग, उनकी समझ में और ज़्यादा इजाफा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अंदरूनी मामला है, परंतु ये जोरदार बात है कि अब गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी में सामने सब कुछ दिख रहा है। खड़गे जी कुछ कह रहे हैं, थरूर जी कुछ कह रहे हैं और राहुल भैया निकल पड़े हैं, तब कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। जो बचाव खुचा है वो खड़गे जी पूरा कर देंगे। कांग्रेस तो एक सूत्री, केवल कमलनाथ की कांग्रेस हो गई है, बाकी नेता कहाँ है? मुद्दा तो यही है कि बाकी नेताओं को तो दरकिनार कर दिया, अब कांग्रेस कुछ भी करती रहे। कांग्रेस तो नगरीय निकाय में बुरी तरह हारी है। अपनी हार की खीज मिटाने के लिए इस तरह के सम्मेलन करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.